हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपके प्रयोगशाला एग्जाम के सिलेबस के 4.2 परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं परमाणु संरचना के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं। देखिए, पहला है परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी, क्या परमाणु अविभाज्य है, गोल्ड स्टीन और केनाल किरण, थॉमसन का परमाणु मॉडल, अल्फा कण और प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, बोरबरी योजना और इलेक्ट्रॉन का वितरण, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संस्थानिक परमाणु भार और संभारिक, इन सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके प्रयोगशाला के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना, जो इसका मेन टॉपिक है। देखिए, प्रकृति में उपस्थित जितने भी पदार्थ तत्व हैं वो बहुत ही अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। इन सूक्ष्म कणों को बोला जाता है परमाणु। याद रखेंगे, जो सबसे सूक्ष्म कण हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, और अणु से पदार्थों की रचना होती है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं उस पदार्थ में छोटे छोटे बहुत से अणु होते हैं, वह एक निश्चित नियम के अनुसार या उनकी आकृति, उनकी संरचना अलग होती है। इन सभी का अध्ययन परमाणु संरचना के अंतर्गत की जाती है। ओके गाइस, तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं आपका, परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी। देखिए, परमाणु को जानने के प्रयास की कहानी बड़ी रोचक है, जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। ओके, एक दार्शनिक दर्शन शास्त्री ल्यूसिपस और उनके विद्यार्थी डेमोक्रिटस ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती होगी जब उसे और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। डेमोक्रिटस ने उसे एटोमस कहा, अर्थात जिसे तोड़ा ना जा सके। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ को एक छोटे टुकड़े करते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा सूक्ष्म कण मिलेगा जिसे तोड़ना या अब विभाज्य नहीं कर सकते, मतलब उसे टुकड़े में नहीं कर सकते, वह पता तो यह वह सूक्ष्म कण कहलाएगी परमाणु, ऐसा इनका बोलने का मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के एक मूल स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने यह बताया कि सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों हैं और इन नियमों को व्याख्या करने के लिए उन्हें परमाणु सिद्धांत दिया। याद रखेंगे, इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो दिया थे जॉन डाल्टन ने। ओके, परमाणु सिद्धांत इसी ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन ने अपने प्रयास को 1808 में किताब के रूप में प्रकाशित किया। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, डाल्टन ने जो सिद्धांत दिए परमाणु सिद्धांत, उसमें क्या क्या प्रमुख पॉइंट थे ये बता रहा हूँ आपको। पहला पॉइंट था, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ओके, सेकेंड इसके पॉइंट थे, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश हो सकता है। ओके गाइस, क्या बोला है, परमाणु अविभाज्य होता है और एक सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न ही बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। थर्ड पॉइंट है, किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। किसी भी एक तत्व के सभी परमाणुओं के तत्व द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होती है, समान होती है। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। किसी भी यौगिक, मतलब दो तत्व मिलके आपस में क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, उनके परमाणुओं की सापेक्ष की संख्या एक निश्चित अनुपात में होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या परमाणु अविभाज्य है, यह उनका नेक्स्ट टॉपिक है इस सिलेबस का। तो देखिए, क्या परमाणु अविभाज्य है, तो परमाणु अविभाज्य है मतलब क्या परमाणु के टुकड़े नहीं कर सकते। यह कब बोला जाता था, जब परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की गई थी। उससे पहले बोला जाता था कि किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु के बाद कोई छोटा कण नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। लेकिन क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं, एक तरफ जहां परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। किसकी चालकता पर, गैसों की चालकता पर। इसी क्रम में ब्रिटिश भौतिकी शास्त्री जे जे थॉमसन, नाम याद रखेंगे, जे जे थॉमसन, और एक जर्मन वैज्ञानिक गोल्ड स्टीन का योगदान सराहनीय है। यह देखा गया कि जब कम दाब पर गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड से एक
चमकीली किरण निकलती है जिसे गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा। ओके गाइस, कैथोड किरण की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। वो किस प्रकार निकलती है? तो एक नली होती है जिसमें कम दाब होती है, उसमें एक ताप निश्चित होती है। जब इसमें दोनों के मध्य विभवांतर या विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसमें से एक कैथोड किरणें निकलती है। तो देखते हैं इसी से आगे जाकर थॉम्सन ने इस ऋण आवेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश दोनों की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो उससे निकलने वाली कैथोड किरण के कणों की प्रकृति एक जैसी ही रहती है। उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर ऋण आवेशित होते हैं। देखिएगा इस अब जो कैथोड किरणें से जो कण निकली है वो क्या रहती है? ऋण आवेशित होती है, प्लस रहती है, माइनस पॉइंट रहती है। ओके, ऋण आवेशित होती है, ऋणात्मक आवेश होती है, इसी को उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। इस प्रकार क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ओके, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई? अभी बताया आपको, एक नली रहती है जिसमें ताप निश्चित रख दिए जाते हैं और इसमें एक निश्चित दाब पर दोनों के पक्ष क्या विभवांतर या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसके कैथोड से कैथोड किरणें निकलती है जो बहुत सूक्ष्म कण की होती है। कैथोड किरणें कणों की प्रकृति एक जैसी ही रहती है। उन्होंने इस कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु के एक अपरमाणुविक कण है। इस तरह लंबे समय से चली आ रही मान्यता परमाणु अविभाज्य है को थॉम्सन ने चुनौती दे दी। इस तरह बोला जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब बोला जा सका कि परमाणु भी अलग अलग आवेश से मिलकर बने हैं, अलग अलग कण से बने हैं जिसमें से एक कण है इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, उसे विभाज्य या उसे खंड किया जा सकता है। इस प्रकार जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए भौतिक शास्त्र में सन 1906 में नोबल पुरस्कार मिला। याद रखेंगे, जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबल पुरस्कार मिला था। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके, गोल्डस्टीन और केनाल किरण। ये भी आपके टॉपिक का नेक्स्ट है, गोल्डस्टीन और केनाल किरण। इनसे क्या है? जहां एक और कैथोड किरण की खोज हुई, वहीं 1886 में गोल्डस्टीन ने धन आवेशित किरणों की खोज की जिन्हें उन्होंने एनोड या केनल किरण कहा। ओके, गोल्डस्टीन के प्रयोग आधारित अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि ये केनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है और उनकी प्रकृति ट्यूब से भरी गैस पर निर्भर करती है। उन्होंने देखा कि प्राप्त एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग था। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह किरण ट्यूब में भरी गैस के आयनीकरण से उत्पन्न हो रही है। इस तरह केनाल किरण की खोज से परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई, अर्थात परमाणु में धन आवेशित और ऋण आवेशित भाग होते हैं यह पता लगाएं। कहने का मतलब यह है, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेशित होते हैं। ओके गाइस, तो परमाणु क्या है? ऋण आवेशित है, ऐसा प्रचलित हो गया। लेकिन गोल्डस्टीन ने खोज किया कि परमाणु के बीच में एक धन आवेशित कण भी होते हैं। तो इस तरह धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों होते हैं, मतलब परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। परमाणु की नाभिक होती है, वहाँ पे एक धन आवेशित कण होता है, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी खोज अभी नहीं हुई थी, अभी सिर्फ यह खोज की गई थी कि परमाणु के नाभिक धन आवेशित होते हैं। इस प्रकार परमाणु में धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित, दोनों की खोज हो गई। और धन आवेशित ऋण आवेशित होने के कारण क्या हो गया? परमाणु उदासीन हो गए। यह खोज बताया किसने? गोल्डस्टीन ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है? देखते हैं, जे थॉम्सन के प्लम पुटिंग मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश का बादल सा रहता है और ऋण आवेशित कण इस बादल में यहाँ वहाँ धसे होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि परमाणु होते हैं, उसमें धन आवेशित जो होता है वो पूरे चारों तरफ बिखरे रहते हैं, बादल सी रहती है, और ऋण आवेशित रहती है, ऋण आवेशित कण वो क्या रहते हैं? एक छोटे छोटे पॉइंट में दबे रहते हैं। जैसे कि ये चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक परमाणु का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, जो जितने भी डॉटेड है वो क्या है? ऋण आवेशित कण है। बाकी जो साफ कलर है वो क्या है? धन आवेशित कण। जो बादल की तरह फैले हैं वो सभी धन आवेशित है, और जो डॉट डॉट है वो क्या है? ऋण आवेशित। ओके, इस या धसे धसे होते हैं। इस परमाणु संरचना मॉडल को तरबूज के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें तरबूज का पूरा लाल हिस्सा धन आवेश का फैलाव है और काले बीज ऋण आवेशित कण होते हैं। परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए
परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं, इस प्रकार परमाणु के थॉमसन मॉडल ने बताया। परमाणुवाद सन 1908 से 1913 के बीच नए नए प्रयोगों और विभिन्न तर्कों पर बदलता गया। ओके गाइस, तो थॉमसन ने क्या बताया कि किसी भी परमाणु में चारों तरफ उसकी द्रव्यमान क्या रहती है, समान रहती है, उसके सभी पॉइंट में द्रव्यमान समान रहती है और उसके चारों तरफ प्लस पॉइंट या धन आवेशित कण रहते हैं, लेकिन ऋण आवेशित कण कुछ कुछ जगह में ऐसे दबे रहते हैं, इस प्रकार ये ऋण आवेशित कण रहते हैं। इस तरह के परमाणु का थॉमसन मॉडल बताया और इन्होंने बताया कि परमाणु धन आवेशित और ऋण आवेशित होने के कारण एक दूसरे पर परमाणु विद्युत रूप में उदासीन हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में यदि धन आवेशित और ऋण आवेशित रहे तो क्या हो जाती है, परमाणु उदासीन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। अब देखिए, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग रदरफोर्ड ने किस प्रकार किया और क्यों किया और परमाणुवाद क्या है, तो ई रदरफोर्ड ने और उनके विद्यार्थियों गीगर और मार्सडेन ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के बराबर होता है और धनावेशित होता है। तो देखिए, रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थी ने क्या किया, सोने के एक पन्नी ले ली, महीन पतली पन्नी, और इसमें सोने के अति सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण को रख दिए, जिसके बोलते हैं परमाणु। कहने का मतलब है सोने के छोटे छोटे कण, अत्यंत छोटे छोटे कण, इस तरह के परमाणु रख दिए। अब इस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा कण को क्या किया, इस पर बौछार किया। तो जिस प्रकार थॉमसन ने बताया था कि परमाणु के द्रव्यमान सभी तरफ बराबर फैले रहते हैं, तो रदरफोर्ड ने समझा कि इस पर अल्फा के कण बौछार करेंगे तो अल्फा के कण परमाणु से टकरा के सीधे दूसरे तरफ में विक्षेपित हो जाएंगे सभी तरीके से, या इन पर सीधी निकल जाएगी इस तरह। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि जब इन्होंने अल्फा के कणों का बौछार किया तो परमाणु में कई अल्फा के कण सीधे आर पार या एक तरफ से घुस के दूसरे तरफ निकल जाते थे। क्या हुआ, सभी अल्फा कण एक तरफ से घुस के दूसरे तरफ निकल जाते थे, लेकिन इसमें से कुछ कण ऐसे हुए जो परमाणु के ठीक नाभिक में जाते थे और वहां से टकरा के वापस पुणे लौट आते थे। तो इस प्रकार पाया कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं वहां का जो घनत्व तो होता है अधिक होता है और वहां पे धनावेशित होते हैं। जिस प्रकार कहने का मतलब है कि परमाणु में एक नाभिक होती है, इसकी खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई, और नाभिक का धनावेश होता है और इसकी घनत्व अधिक होती है, परमाणु के द्रव्यमान भी नाभिक में अधिक होती है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने क्या पाया इसमें, पहला पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पर सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली है। अभी बताया अधिकांश क्या, सीधे आर पर निकल जाते थे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वह निकला था। यदि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह पर द्रव्यमान वाला भाग काफ़ी संकुचित है, ना कि फैला हुआ है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। तो क्या हुआ, इसमें बताया गया कि परमाणु के जो नाभिक में स्थित होते हैं वहां का द्रव्यमान अधिक होता है। ओके गाइस, इस प्रकार नाभिक की खोज हुई। तो देखते हैं, इस तरह रदरफोर्ड ने यह विचार रखा कि परमाणु में धनावेश तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। याद रखेंगे, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पथ अलग होता है। इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणु नाभिकी मॉडल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं यह डेनमार्क के एक भौतिकी शास्त्री नील्स बोर ने बताया। याद रखेंगे, यह डेनमार्क के भौतिकी शास्त्री ने नील बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। रदरफोर्ड के बारे में और देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के रदरफोर्ड 1871 से 1937 तक के इनकी जीवनी थी, जिन्हें नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ओके, नाभिकीय रसायन, उन्हें परमाणु के नाभिक खोज के लिए 1908 में नोबल पुरस्कार दिया गया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पत्थर पर लगभग 100 नैनोमीटर पतली पर आवेशित अल्फा कणों की तेज बौछार की, और इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10^5 गुना छोटी होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में, वो सभी कक्षा उनकी कक्ष बनी रहती है। अब सभी कक्ष में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है।
ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस तरह से वितरित होते हैं इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेशित होता है तब यह समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे या आपस में टकरा जाते होंगे। आखिर परमाणु के अंदर ऐसी कैसी व्यवस्था है जो इन्हें अपरमाणु कणों के सुरक्षित व्यवस्थित करके रखती है। नील्स बोर ने अपने सहयोगी बरी के साथ मिलकर प्रश्नों से जूझते हुए इन इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट किया, जिसे बोर बरी योजना के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, बोर बरी योजना क्या है? इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षक में बांटने की एक योजना थी। बोर बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को KLMN इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, नाभिक के सबसे समीप वाली पहली कक्ष या कोष को K कहते हैं तथा दूसरी कक्षा को केल को L और कहते हैं। इसी तरह अगली कक्षा को M और N से प्रदर्शित किया जाता है। तो नील्स बोर बोरी योजना के अनुसार बताया कि नाभिक के चारों ओर जो कक्ष बनी रहती है उनका सबका एक अलग अलग नाम दिया जा रहता है और उनके अलग अलग कक्ष में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटी रहती है। इस प्रकार बोर बरी योजना बताया। ओके गाइस, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेशित कण होते हैं। ओके, ऋण आवेश होता है और जितने भी परमाणु हैं सभी में ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में। तो दोनों ऋण आवेश आपस में आकर्षित बल लगाते हैं या प्रतिकर्षित बल लगाते हैं, इसमें इनको कन्फ्यूजन थी। इस प्रकार इन्होंने बोर बरी योजना निकाली कि आखिर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में कैसे साझा करते हैं और एक ही तत्व के दो ऋण आवेशित कण एक ही तत्व में कैसे मौजूद रह सकते हैं, उनमें प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लग के एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं, इसी का निष्कर्ष निकालने के लिए बोर बरी योजना बनाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो देखिए, परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में होते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ओके गाइस, उदासीन परमाणु जो होती है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। याद रखेंगे, परमाणु के जब नाभिक में उपस्थित होती है प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग पर ज्ञात किया जाता है, जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को नापने की इकाई म्यू है, जिसे यूनिफाइड मास कहते हैं। नाभिक में उपस्थित अपरमाणु कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ओके गाइस, तो कहने का मतलब यह है कि परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहती है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों को मिला के जो संख्या होती है उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ओके गाइस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दोनों के योग को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान और सिर्फ प्रोटॉन के योग को बोला जाता है परमाणु संख्या। याद रखेंगे, सिर्फ प्रोटॉन क्या होती है? परमाणु संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान और दोनों को क्या बोला जाता है एक साथ? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। यह भी एग्जाम में आज कहे न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है तो वो होते हैं परमाणु की नाभिक में स्थिति प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन। आगे देखते हैं, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन में ई नेगेटिव आवेश प्रोटॉन तथा प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश तथा न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता। याद रखेंगे, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। इस प्रकार दर्शाया जाता है कि किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व और प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, कोई तत्व का प्रतीक है, नीचे में लिखते हैं परमाणु संख्या और ऊपर में लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। याद रखेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम के नीचे में ये जो 11 है 11 है वो है आपका परमाणु संख्या और जो 23 है वो है आपकी द्रव्यमान संख्या। ओके, इतना याद रहेगा। देखिए, द्रव्यमान संख्या में क्या क्या ऐड है? इसमें है आपके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, और जो परमाणु संख्या है उसमें केवल प्रोटॉन की संख्या है। तो यदि आपको बोला जाए कि सोडियम की न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है तो क्या करेंगे आप? 23 में 11 को माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समस्थानिक परमाणु भार और संभारिक क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समस्थानिक कार्बन तत्व के बारे में यह देखा गया है कि कार्बन के कुछ परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या 12 और कुछ की 14 है। ऐसा कैसे होता है? वास्तव में कार्बन 12 और कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जहां कार्बन 12 में न्यूट्रॉन 6 होते हैं, वहीं कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ओके गाइस, अभी आपको बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, लेकिन किसी कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसी को बोल
प्रकृति में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या तो समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। तत्वों के ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु के दो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिकों के हमारे जीवन पर कई उपयोग हैं, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक, घेंघा रोग के निदान के लिए आयोडीन के समस्थानिक, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं समस्थानिक क्या होता है। मान लीजिए दो कार्बन है, इसमें कार्बन के न्यूट्रॉनों की संख्या एक में क्या है 6 है और एक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है 8 है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या है बराबर है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की संख्या में जो कम ज़्यादा रहती है किसी तत्व के, उसको बोलते हैं समस्थानिक। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपके परमाणु संरचना के ये थे थ्योरी टॉपिक, और इस परमाणु संरचना के MCQ के जो क्वेश्चन है, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।